दिल्ली से लोकसभा के सांसद हंसराज हंस ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की वकालत की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर खुशी जाहिर की। दो दिवसीय दौरे पर भूटान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के अंतिम दिन द रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों को संबोधित किया और कहा भारत ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में 4000 से ज्यादा भूटानी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, ये संख्या बढ़नी चाहिए। दुनिया भूटान को उसके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट से जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान को रॉयल यूनिवर्सिटी में कहा कि ये खुशी की बात है कि भूटान के अपने छोटे उपग्रह को डिजाइन करने और लॉन्च करने के लिए युवा भूटानी वैज्ञानिक भारत की यात्रा करेंगे। आनंद सिंह के घर से बरामद AK-47 की जांच में यह बात सामने आई है कि हथियार का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। आनंद सिंह के घर से AK-47 कारतूस ग्रेनेड बरामद होने के बाद सेना के अधिकारी और जांच एजेंसियां एक रॉकेट लॉन्चर, एक LMG और एक दर्जन AK-47 समेत अन्य घातक हथियारों की खोज में जुट गई है। उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पंजाब में भाखड़ा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के चलते चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर के करीब पहुंच गया है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं और भूस्खलन हो रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और कुमायूं के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। दुनिया को आतंकियों के खिलाफ एक्शन दिखाने के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का नया तरीका पाकिस्तान ने ढूंढ निकाला है। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की बैंकॉक में अहम बैठक से पहले पाकिस्तान वहां से चल रहे आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ फर्जी और कमजोर FIR दर्ज करवा रहा है। इससे वो आतंकियों को नाराज नहीं करेगा और FATF को भी बता सकेगा कि वो कदम उठा रहा है। महाराजगंज में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस ने हजारों बच्चों को निगला है। CM बनने का सबसे पहला काम किया है BRD में इंसेफ्लाइटिस को लेकर टीम गठित की है। झांसी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में सरकारी ठेकेदार की हथौड़े से कूच कूच कर हत्या कर दी गई। हमलावर लगभग 16 लाख का कैश लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। सहारनपुर के सिटी इलाके में मामूली विवाद को लेकर घर में घुसकर दो भाइयों की हत्या कर दी गई। पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर विवाहिता की बहनी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लखनऊ के चिनहट के BBD यूनिवर्सिटी के पास बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। चंदौली के बलुआ कस्बे में मल्लाहों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। नशे में धुत फॉलोअर शवदाह कर लौट रहे मल्लाहों से उलझ गया था। बागपत के बाड़ौत कोतवाली क्षेत्र में 4 नकाबपोश हमलावरों ने जूना अखाड़े के नागा साधु की पिटाई कर दी। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके में ट्रक ने रोड पार कर रही महिला को कुचल दिया। मौके पर मौके और लोगों ने ट्रक वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लखनऊ में जस्टिस गोविंद माथुर बनकर जालसाजी की गई है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के नाम पर 10 लाख मांगे गए। बरेली के गांधीपुरम कॉलोनी में पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और पत्नी का शव कमरे में बंद करके फरार हो गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अफसर गीत गजल और राष्ट्रीय गीत गाकर उन्हें याद कर रहे थे।
कानपुर में नशे में धुत दो सिपाहियों ने मारपीट की। सिपाहियों की मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ललितपुर में इलाज के बाद युवती की हालत बिगड़ गई। एक्सपायरी दवाएं इंजेक्शन लगाया गया था। परिजनों ने पुलिस और जिला अधिकारी से इस बात की शिकायत की है। आगरा के इत्मादपुर थाना क्षेत्र में सिरफिरे युवक ने तालाब में छलांग लगाई। 12 घंटे के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला। पुलिस और गोताखोर की टीम रेस्क्यू में लगी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में एक टास्कर हाथी ने गश्त कर रही टीम पर हमला कर दिया। रेंजर राकेश भट्ट के नेतृत्व में गश्त कर रही टीम ने उसे भगाने के लिए फायर किया, जिसके बाद ये टस्कर और भड़क गया, वाहन में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार सवार खंभे से टकरा गया। लोक भवन के सामने पोल में कार टकराई। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रक में डीसीएम ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से डीसीएम चालक और एक अन्य की डेथ हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसे दोनों मृतकों को काटकर बाहर निकाला। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शामली के कस्बा कांदला में ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया। ससुर ने विवाहिता को बाथरूम में दबोच लिया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। गोंडा में सरयू नदी का रौद्र रूप प्राथमिक विद्यालय पानी में समा गया है। जलस्तर को लेकर गांव में अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग ने कोई इंतजाम नहीं किए। आगरा में लगातार बारिश से परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश के चलते एयरफोर्स मेन गेट पर कई मीटर पानी भर गया। गेट से लेकर वीवीआईपी रोड पर पानी ही पानी हर ओर नजर आ रहा है। बुलंदशहर में तहसील डिबाई के राजघाट में गंगा के पानी के तेज बहाव के कारण 3 मकान धर्मशाला समेत पार्क गंगा में समा गया। गंगा के पास के इलाकों में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बेतवा और केन नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संगम में बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट घोषित कर दिया है। सहारनपुर में हथिनी कुंड बैराज में पानी का रौद्र रूप दिखा। यमुना में 155,272 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यूपी हरियाणा की सीमा पर हथिनी कुंड बैराज है। मथुरा के फरई थाना इलाके में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। टोल पर खुलेआम असलहों के साथ जमकर प्रदर्शन किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मूक दर्शक बनी देखती रही। ललितपुर के गोविंदनगर कॉलोनी में आशियाना उजड़ने से लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। शहर में आई आपदा से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। प्रतिनिधियों ने लोगों की कोई सुध नहीं ली है। बागपत के फुलेरा गांव में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में सो रहे आधा दर्जन लोगों को पड़ोसियों ने सही सलामत बड़ी मुश्किल से निकाला। बिजनौर में जंगली हाथी के खौफ से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथी के खौफ से किसानों ने जंगल जाना छोड़ दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से इस बात की शिकायत की। लखनऊ में बंदियों की पेशी के दौरान घटित होने वाली घटनाओं की रोकथाम को लेकर एसएसपी ने निरीक्षण किया। कचहरी परिसर स्थित हवालात का अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। हमीरपुर में बाढ़ से हालात बहुत खराब हो गए हैं। यमुना और बेतवा खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से दर्जन भर गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है और प्रशासन ने 64 गांवों में अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश से पहाड़ी नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में देर रात नदी नालों के उफान पर चढ़ने से तकरीबन 5 पुल बह गए। आगरा में लगातार हो रही बारिश के कारण ताजनगरी में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। गली मोहल्लों में बारिश का पानी भर गया है।
मुरैना में सरयू नदी के कटान की जद में बांध का दूसरा स्तर देखने को मिला। लॉन्चिंग एप्रन में लगी कटान से ग्रामीणों में दहशत है। बागपत के थाना बिनौली क्षेत्र में बिजवाड़ा में एक बुजुर्ग के कत्ल को सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग को बड़ी ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। संत कबीरनगर में 45 वर्षीय नलकूप विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। कर्मचारी की लाश होटल सनलाइट के कमरा नंबर 104 में नग्न अवस्था में खून से सनी मिली। सूचना के बाद एसपी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। कन्नौज में युवती की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने जीटी रोड पर जाम लगाया। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्नाव में गंगा पुल से कूदकर सिपाही ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में घायल सिपाही को जिला अस्पताल रेफर किया गया। लखनऊ के बख्शी के तालाब के रहने वाले कई सिपाही था, मानसिक तनाव के चलते सिपाही ने आत्महत्या की कोशिश की। मऊ में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में पिता ने अपने बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। सहारनपुर में भाई ने अपने भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि संपत्ति का विवाद था, इसलिए उसने ऐसा किया। खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर के जिबाई कोतवाली के उदयपुर में प्रेमी ने प्रेमिका के पति को गोली मार दी। महिला पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी। हालांकि प्रेमिका के पति गोली से बाल बाल बच गए, लेकिन पास बैठे तीन युवकों को गोली के छर्रे लग गए, जिससे एक युवक की हालत गंभीर है। कन्नौज में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आगरा के शमशाबाद में महिला का पैर फिसल गया, जिसमें वो तालाब में गिर गई। तालाब में मौजूद कछुओं ने महिला को अपना शिकार बना लिया। बांदा के नगर कोतवाली के केन नदी पुल के पास रेलवे ट्रैक पर प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन से कटकर दोनों ने जान दे दी है। ग्रेटर नोएडा के देवटा गांव के पास नामी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ तीन लोगों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सभी आरोपी फरार हैं। अमेठी के राजा फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से युवक की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में विकास न होने की शिकायत लोगों ने मेयर मुरादाबाद से की। इससे नाराज भाजपा पार्षद रानी सैनी के समर्थकों ने कॉलोनी में आकर लोगों को अंजाम भुगतने की धमकी दी। मुरादाबाद के धिमरी गांव में स्थानीय लोग पानी में गंदगी और बदबू की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब पाइपलाइन खोलकर चेक किया गया तो उसमें मरे हुए तीन बंदर निकले। शामली में थाना भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां स्वीपर का उपचार कर रहे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर दिग्विजय आराम फरमा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गंभीर रूप से युवक का इलाज कर रहा है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में डायल 100 के सिपाहियों ने युवक को बूट की ठोकरों से पीट दिया है। अर्धनग्न युवक पर सिपाहियों ने लाठियां भी बरसाई हैं। बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में एक महिला ने चौकी इंचार्ज पर घर में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस बात को एसएसपी ने भी माना है। भारत के बाद अब भूटान में भी रुपे कार्ड चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया।
15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में रह रहे भारतीयों ने तिरंगा फहराया। इसी दौरान लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की। तभी वहां मौजूद भारतीय पत्रकार पूनम जोशी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई और उनसे तिरंगा छीन लिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शादी समारोह में बड़ा धमाका हो गया। इसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 140 अफगान जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। स्थानीय चैरिटी ग्रुप हजरत ए अबुल फजल ने समारोह का आयोजन किया जिसका मकसद युद्ध प्रभावित राष्ट्र में गरीबी से पीड़ित युवा पीढ़ियों की शादी पार्टियों के रूप में होने वाले भव्य खर्चों में कटौती लाना था। पेरिस के बाहरी इलाके में पिज्जा और सैंडविच के एक रेस्तरां में एक ग्राहक ने वेटर की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडविच के लिए इंतजार करने की वजह से उसने हत्या की। एक गोली वेटर के कंधे में लगी थी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर द्विपक्षीय वार्ता पर जोर दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कुछ घंटों ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से टेलीफोन पर बात की। दक्षिण कोरिया में पाकिस्तानी समर्थक भारतीय नेताओं को देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी को देख शाजिया इल्मी और दूसरे नेता इस बात करने से नाराज हो गए। जॉन अब्राहम की एक्शन थ्रिलर बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने तीसरे दिन 9 करोड़ की कमाई की जिसके चलते फिल्म का टोटल कलेक्शन तकरीबन 33 करोड़ हो गया है। टीवी पर अप्रैल को लॉन्च ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले